Good morning, student. Class 8 subject plan. Revision exercise. Question number 21. They say test the disability of y. हमें digit दिया 2 4 2 9 5 4. ये बताने की 4 से divide होगी या नहीं होगी. अगर पूरी divide करेंगे तो yes लिखेंगे. Remainder बचेगा तो no. अब इसको 4 से divide करा तो 1 remainder बचा ही होगी no. अब b में देखिए, b में हमें 5 से divide करते देखना है. 5 से divide किया तो 4 divide होगा. इसको लिखेंगे yes. क्वेश्चन नंबर 22. प्राइम नंबर बताने हैं 1 और 100 के बीच में. प्राइम नंबर होते हैं जो केवल अपने आप से डिवाइड होता है, किसी भी टेबल में नहीं आता. देखो ये 1 और 100 के बीच में प्राइम नंबर 2 3. देखो ना से 2 किसी टेबल में आता है और 9 3. सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 2 3 5. ये दे रखा है हमें 100 तक प्राइम नंबर. क्वेश्चन नंबर 23. एक्स सी एफ. इसमें देखो दो डिजिट है 24 16. इसे पढ़ा गया 24 24 को अंदर लिखा 16 से डिवाइड करा. 16 मतलब 16 माइनस का 8 बचा. अब जो डिजिट पार थी उसको अंदर लिखेंगे. 16 को अंदर क्या 8 से डिवाइड करें. 8 टू द 16 को ऐसे ही होगा हमारा 8. ऐसे ही को 11 19 19 को 11 से डिवाइड किया. 11 मतलब 11 8 बचा. फिर 11 को अंदर लिखा 8 मतलब 8 3 बचा. फिर जो ऊपर से क्या 8 उसे अंदर लिखा 3 टू द 6 2 बचा. फिर 3 को अंदर लिखा 2 मतलब 2 1 बचा. अब 1 2 2 तो इसका एलसीएम होगा 1 जो लास्ट में आएगा. क्वेश्चन नंबर 24 एलसीएम. एलसीएम में एक साथ निकालेंगे 6 और 15 का 2 3 6 15 2 की टेबल में नहीं आता उसको एज इट इज लिख लेंगे. फिर 3 से 3 बन जा 3 3 5 का 15 फिर 5 से 5 बन जा 5 5 बन जा इनको मल्टीप्लाई कर जा 2 3 या 6 6 5 का 30 एलसीएम हो गया 30. डाई नॉट करो. This is an exercise question 21 to 25 in copy.